ट्रीटमेंट ऑफ द सिरकाडियन रिदम स्लिप डिसऑर्डर। फर्स्ट वन है स्लीप हाइजीन करना है पेशेंट को, और क्रोनोथेरेपी प्रोवाइड करनी है। स्लीप हाइजीन में क्या करेंगे, पेशेंट को एट द टाइम ऑफ बेड उसको मोबाइल साइड में रखेंगे, उसको कुछ अच्छी बुक या स्टोरी बुक पढ़ने के लिए देंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी लेथार्जी फील करे ताकि उसको सोने में रिलैक्स रहे। ठीक है, बॉयज एंड बॉयज लेस हो उस रूम में, उसको पेशेंट को सुलाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, नो डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़, हम उसको मिल्क प्रोवाइड करेंगे बिकॉज मिल्क इज़ लाइट एंड लिक्विड फ्लूड, सो विच इज़ इन्हेंसिंग आर स्लीप। एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड सम गुड बुक्स एंड इंकरेज टू पेशेंट टू फॉर द स्लीप। सो नेक्स्ट वन इज पैरासोमनिया। सो डिसोमनिया टाइप थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड इसमें क्या है, स्लीप एपनिया हो गया, सिरकाडियन रिदम स्लीप हो गया, एंड नेक्स्ट क्या है, पैरासोमनिया। सो फर्स्ट वन इज स्लीप टेरर। स्लीप टेरर्स में क्या है, नाइट टेरर्स, स्लीप टेरर्स आर स्लीप डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन क्विकली वेक्स फ्रॉम स्लीप इन अ टेरिफाइड स्टेट। इंडिविजुअल्स मे बी डिफिकल्ट टू अराउज फ्रॉम द एपिसोड एंड वेन अराउज कैन बी कन्फ्यूज एंड सब्सिक्वेंटली अमनेस्टिक फॉर द एपिसोड। नाइट टेरर इज लाइक अ कंडीशन की पेशेंट को बहुत जल्दी नींद उसका खुलना, कि बहुत जैसे बोलते हैं कि कच्ची नींद है किसी की, एक जरा सी आवाज़ पे वो उठ जाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्लीप टेरर्स, मतलब उसको बहुत डीप नींद नहीं आके, उसको बहुत ही लाइट नींद रहती है और जिसकी वजह से वो क्विकली वेकअप हो जाता है। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज नॉट अ गुड, सो दिस साइन इज नॉट गुड, सो दिस इज कंडीशन कम्स अंडर इन स्लीप टेरर्स। नेक्स्ट वन इज नाइट मेयर्स, एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग ड्रीम्स दैट अकर इन REM स्लीप, लेस इंटेंस देन स्लीप टेरर्स, पर्सन रिपीटेडली बिकम्स अवेयर एंड अलर्ट ऑलमोस्ट इमिडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, दे कैन रिमेंबर द ड्रीम। द कोज इज अननोन बट नाइट टेरर्स मे बी ट्रिगर्ड बाय फीवर, लैक ऑफ स्लीप, पीरियड्स ऑफ इमोशनल टेंशन, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, फ्राइटनिंग मूवीज और टीवी शोज। नाइट मेयर्स जस्ट लाइक दिस, कि आपने कोई मूवी देख ली या फिर कोई ऐसी रात में सोते टाइम बात सोच ली या कुछ ऐसा सुनने में आ गया जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है और उसमें आपको सपने आ रहे हैं अजीब अजीब से, तो दैट कंडीशन इज ऑल्सो आपको सोने में दिक्कत होगी, स्लीप आने में दिक्कत होगी। सो दिस इज कॉल्ड नाइट मेयर्स। स्लीप पैरालिसिस, दिस कंडीशन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मूविंग और स्पीकिंग वाइल वेकिंग अप एंड समटाइम्स वाइल फॉलिंग अस्लीप, लास्ट फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स टू अ फ्यू मिनट्स। स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग इज अ डिसऑर्डर दैट अकर्स वैन पीपल वॉक और डू अनदर एक्टिविटी वाइल दे आर स्टिल अस्लीप। द एपिसोड कैन लास्ट फॉर फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड टू ओवर 30 मिनट्स। मतलब स्लीप वॉकिंग इज लाइक कि पेशेंट इज इन स्लीप कंडीशन बट स्टिल ही इज वॉकिंग अराउंड एनी वेयर लाइक होम और सम प्लेसेस, सो दैट इज ऑल्सो टेरेबल कंडीशन बिकॉज पेशेंट मे बी इंजर्ड, पेशेंट मे बी फॉलन डाउन, सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो हार्मफुल टू द पेशेंट। सिम्टम्स ऑफ स्लीप वॉकिंग इंक्लूड कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन वैन वोकन अप, वैन पेशेंट जब पेशेंट एकदम से जाग जाएगा और एकदम उसको ऐसा, क्योंकि वो तो स्लीप में चल रहा था, उसको नहीं पता कि क्या कंडीशन है, तो अगर वो एकदम से वेकअप होगा तो वो कन्फ्यूज रहेगा, ऑरेंटेड नहीं रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या, वो ऐसे कैसे यहाँ पहुँच गया, सो उसको कुछ भी याद भी नहीं रहेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। अ ब्लैंक लुक
ऑन देयर फेस, मतलब ऑब्वियसली उसके फेस पे एकदम ब्लैंक, कोई चीज का कोई आंसर नहीं पता होगा। ओपनिंग देयर आईज वाइल स्टिल अस्लीप, समटाइम क्या होगा पेशेंट अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पर्सन जा रहा है कहीं पे, बट पेशेंट की आंखें भी खुली होंगी बट स्टिल वो स्लीप में कंडीशन में ही होगा। नो मेमोरी ऑफ द एपिसोड, वो एपिसोड जो वो कहाँ से आया कैसे आया उसको वो कुछ भी याद नहीं होने वाला है। परफॉर्मिंग अ डिटेल्ड एक्टिविटी ऑफ एनी टाइप वाइल स्टिल अस्लीप, कोई भी डिटेल एक्टिविटी भी कर सकता है ड्यूरिंग द स्लीप। सो दिस इज द ऑल्सो अ पिक्चर जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे स्लीप वॉकिंग में हमारे पॉस्चर या गैस्चर हो सकता है। स्लीप एनुरेसिस इज द रिकरेंट इनवॉलेंट्री वॉइडिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग स्लीप। एनुरेसिस का मतलब होता है कि बैड वेटिंग। एनुरेसिस इज कंसिडर प्राइमरी इन अ चाइल्ड हु हैज नेवर बीन ड्राई फॉर 6 month और लॉन्गर, वेयर अदरवाइज इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एनुरेसिस। प्राइमरी क्या होता है, 6 month तक का जो बच्चा है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग यूरिन यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज जो ब्रेन में डेवलपमेंट होता है वो आफ्टर 6 month होता है यूरिन कंट्रोल करने का, सो दैट टाइम इज प्राइमरी। बट इफ द कंडीशन इज नॉट डिजॉल्व नॉट रिजॉल्व एंड द कंडीशन इज कंटिन्यूसली पर्सन और चाइल्ड और पेशेंट स्लीप एनुरेसिस करता है या बैड वेटिंग करता है, सो दिस कंडीशन इज कम्स अंडर इन स्लीप एनुरेसिस। सो लाइक दिस बैड वेटिंग करना ही बैड वेटिंग की कंडीशन को ही हम बोलते हैं स्लीप एनुरेसिस। जस्ट लाइक दिस मोस्टली दिस डिसऑर्डर सीन इन चाइल्ड। स्लीप ब्रूसिल्स इज द ग्रिंडिंग ऑफ द टीथ एज इफ यू आर क्रशिंग और च्यूइंग समथिंग वाइल इन रियल एसेंस यू आर नॉट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि स्लीप ब्रूसेज में क्या होगा कि जो पर्सन है वो सोते टाइम अपने दांतों को जैसे हम च्यू करते हैं किसी चीज़ को चबाते हैं वैसा वो सोते टाइम करेगा, उसको ऐसा फील होगा कि मेरे माउथ में या टंग में कुछ है जिसको मुझे च्यू करना है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डन वाइल जब ये कब करेगा वो पर्सन जब वो स्लीपिंग कंडीशन में होगा। लीड्स टू डिफॉर्म्ड टीथ, ये कंडीशन क्या करेगी उसके जो टीथ हैं वो डिफॉर्म्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम पेशेंट बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रीडिंग भी कर सकता है जो कि कंडीशन इफेक्ट कर सकती है आपके टीथ फॉर्मेशन को। इज अनकंफर्टेबल फॉर द पर्सन स्लीपिंग नियर बाय ब्रूसेस में। समटाइम जो भी पर्सन होगा ब्रूसेस में यही होगा कि वो बार बार अगर कोई पर्सन ग्रीन कर रहा है तो वो सेकंड पर्सन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सेवेंथ वन इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ लेग्स एंड एन अर्ज टू मूव देन व्हेन एट द रेस्ट एंड स्लीप। अचानक से पेशेंट को रेस्टलेस फील होना लग जाएगा एकदम से ही लेटे लेटे कि उसको अब मूव करना चाहिए, उसके सम लेग में अजीब सेंसेशन शुरू हो जाएगा। कॉजेज मोस्टली अननोन, जो कॉज है इसका बहुत ही इडियोपैथिक है जो नहीं पता है, बट समटाइम हमारी बॉडी ऐसे साइन शो करती है जिसका कोई रीज़न नहीं होता, विदाउट रीज़न हमें वो पर्टिकुलर चीज़ करने का सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, सो दैट कंडीशन इज काइंड ऑफ। ट्रीटमेंट क्या है, अंडरलाइंग कॉजेज सम मेडिसिन ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर इज स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू अनदर मेंटल कंडीशन। स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशन सबस्टेंस इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर। जैसे कि कुछ सेकेंडरी वाले क्या होंगे, प्राइमरी तो हमने देख लिए, सेकेंडरी वाले इज लाइक कि कुछ ऐसे स्लीप डिसऑर्डर होंगे जो मेंटल कंडीशन की वजह से, जैसे कि मेनिया। मेनिया में क्या होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है एंड उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, बहुत हाई एनर्जेटिक फील करता है, सो उस टाइम पे भी वो प्रॉपरली स्लीप नहीं लेगा। सो दिस इज मेंटल कंडीशन। इज सेकेंड वन इज सिजोफेनिया। इन सिजोफेनिया ऑल्सो पेशेंट नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, सो दैट मेंटल कंडीशंस ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्लीप।
सो दिस इज सेकेंडरी स्लीप डिसऑर्डर. सेकेंड वन इज स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशंस. जनरल मेडिकल कंडीशन इज लाइक कि एब्डोमन पेन, फीवर, हाई फीवर, हेड एक इज ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्लीप. सो जनरल मेडिकल कंडीशन. सब्सटेंस इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर इज लाइक कि गांजा, तंबाकू, स्मोकिंग, एल्कोहल इज ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्लीप एंड अवेक साइकिल और सिरकार्डियन रिदम साइकिल. सो दिस इज ऑल्सो चांसेस टू हैविंग स्लीप डिसऑर्डर्स. जनरल मैनेजमेंट व्हाट वी विल डू व्हेन पर्सन या और पेशेंट हैविंग स्लीप डिसऑर्डर. सो जनरल मैनेजमेंट इज स्लीप हाइजीन. फर्स्ट वी विल प्रोवाइड स्लीप हाइजीन. सेकेंड वन इज वी विल प्रोवाइड बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स नॉर्मलाइजिंग द सिरकार्डियन रिदम, कोरोनो थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी. जैसे कि पेशेंट को, जैसे पेशेंट अगर डे टाइम में बहुत ज़्यादा सो रहा है तो ऑब्वियसली उसको हम कम करेंगे और उसको नाइट टाइम में सोने देंगे, और उसको आफ्टर इवनिंग समटाइम डिनर के बाद हम कुछ भी लिक्विड या वाटर इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. बिकॉज ऑफ इफ पेशेंट ज़्यादा वाटर इंटेक करेगा तो बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा. सो वो भी एक तरीके से स्लीप को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा. फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें मिडाजोलम लेंगे, मेलाटोनिक टोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में रेमेल्टिनोन लेंगे मेडिसिन. स्लीप हाइजीन में क्या करते हैं, ट्राई टू लिमिट कैफीन इनटेक व्हेन एंड वेयर यू वॉन्ट टू स्लीप. स्ट्रिक्टली लिमिट कैफीन इनटेक जस्ट लाइक कि कॉफी एंड चाय और टी. हैव अ लाइट स्नैक बिफोर बेड टाइम. नो बिग मील बिफोर बेड टाइम. वी अरेंज सम लाइट फूड फॉर द पेशेंट. सेट योर बेडरूम फॉर अ कंफर्टेबल टेम्परेचर. वॉट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू द पेशेंट. वी विल प्रोवाइड दैट कंफर्टेबल टेम्परेचर टू द पेशेंट. मिनिमाइज लाइट एक्सपोजर. ट्राई टू फॉलो अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल. सो दिस इज ऑल फॉर द स्लीप साइकिल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड थैंक यू.